हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ आर राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनस इक्वल टू 5 इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलस। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन occurs at critical point. And second is function is maximum at x is equal to a if f double dash a is less than 0. Now we start the question. Perimeter of right angle triangle given hypotenuse is equal to 5. हमने मान लिया let h be the hypotenuse of a right angle triangle and let other two sides of triangle are x and y. Therefore, हमें गिवन क्या है, h कितना है 5 सेंटीमीटर। एट राइट एंगल ट्रायंगल वी नो दैट ट्रायंगल वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पुट एच इज इक्वल टू 5, 325 बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर यहां से मैं वाई के लिए सॉल्व करूंगी तो वाई कितना मिल जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर लेफ्ट में जाएगा तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का सम ले लेते हैं। पेरीमीटर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि पेरीमीटर क्यों, हमें मैक्सिमम दिखाना है। आवर फंक्शन इज पी पेरीमीटर। एच प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एच तो हमें कितना गिवन है 5 प्लस एक्स, और वाई कितना गिवन है हमें, हमने फाइंड आउट किया इक्वेशन फर्स्ट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक्स का फंक्शन हो गया, तो मैं इसे भी पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब हमें इसके मैक्सिमम होने की बात करनी है, तो सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे, dp by dx फाइंड आउट करेंगे। 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, x का डेरिवेटिव 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर जब हम इसमें से 1 पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पावर माइनस 1/2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 से 2 कट जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी पुट डीपी बाय डीएक्स को क्या पुट कर देंगे 0 के इक्वल। ये हमारा मेन स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए।
हम डीपी बाई डी एक्स को जीरो पुट करते हैं और यहां से x के लिए सोल्व करेंगे। हमारा डीपी बाई डी एक्स कितना है, 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वल हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स के, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। यहां से हम x के लिए सॉल्व करेंगे, 25 इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर के। देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 5 बाय स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हमारा x स्क्वायर कितना था, 25 बाय 2। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो x कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 2 के स्क्वायर रूट के लिए हम स्क्वायर रूट 2 यूज कर लेंगे। ये हमें x मिल गया। Now we find p double dash x। हम फंक्शन के मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं तो हम d square p by dx square फाइंड आउट करेंगे। d square p by dx square को ही p double dash x भी कहते हैं। हम ऊपर से डबल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी। डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हमारा dp by dx क्या था, dp by dx था 1 माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने लास्ट पेज पर फाइंड आउट किया था। हम डेरिवेटिव जब u बाय v का करते हैं तो कोशेंट रूल यूज करते हैं। कोशेंट रूल क्या है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u जिसे मैं u डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v बाय जो नीचे टर्म है, नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर। यही हम यूज करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस, इसमें हम कोशेंट रूल यूज करेंगे, v यानी 25 माइनस x स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25 माइनस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां से हम सोल्व करेंगे तो डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, ये नेगेटिव है, ये स्क्वायर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा माइनस, जब हम इसे सॉल्व करेंगे बन जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3 बाय 2 हो जाएगा। 1 पावर पहले थी और हाफ ऊपर से आई है हमारी जब हमने एलसीएम लिया है, तो ये बन जाएगा माइनस 25 बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 3 बाय 2 और ये हमारा कैसा है, लेस देन जीरो। हमने पीछे किया था अगर डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाए, देयरफॉर पी एक्स यानी जो फंक्शन है हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ एक्स मेरा कितना आया है, 5 बाय स्क्वायर रूट 2। अब हम वाई और सॉल्व कर लेंगे, आप लिख भी सकते हो यहाँ, therefore x is equal to 5 by 2 p यानी perimeter has maximum value या perimeter is maximum
वाई कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये भी आ जाएगा 5/√2। देयरफॉर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां x और y बराबर आ गए 5/√2। पेरिमीटर इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 5/√2 एट x इज इक्वल टू 5/√5/2। किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड सेम हो तो वो ट्रायंगल कैसी होती है, आइसोसेलेस। देयरफॉर ट्रायंगल जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल थी वो कैसी हो गई, आइसोसेलेस। दस का फाइनल आंसर इज p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5/√2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।